गाइस, मैं राहुल, आप देख रहे हैं आर संधू व्लॉग्स माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को जरूर पूरा देखना। बहुत ही सारे कमेंट आ रहे थे हुक्के के रिलेटिव, मेरे को ये मत लेना। हुक्के के रिलेटिव बहुत मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप हुक्का की वेबसाइट दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हुक्का सेटअप कैसे करें, स्मोक हम अपने हुक्के में कैसे लगाएं। तो आज मैं हुक्के की सारी सामग्री देखते हैं, आप मेरे सामने पड़ी है, इसको हम टोटली सेट करेंगे, मतलब इसको पूरा हम जोड़ेंगे, सेटअप करेंगे इसका, और स्मोक कैसे निकले, छल्ले कैसे बनाए, तो उससे क्या होगा ना, स्मोक मैं आपको ज़्यादा बढ़िया सेटअप करके दिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, अब देखते हैं। नीचे देखो, मेरे सामने सारी सामग्री पड़ी है आपके लिए। आपको पूरी सामग्री चाहिए, आपको ये अपना सिल्वर पेपर ले लेना है, ये पाइप जो इसकी इसकी चीज़ें होती हैं इसके, इसमें देखो मेरे हुक्के के साथ मेरे को चिमटा भी दिया गया, आपको दिया गया नहीं दिया गया वो पता नहीं है। तो ये सिर्फ 400 का हुक्का है, मैंने पहले भी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है, ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखी तो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक। तो ये मेरा क्या बोलते हैं फ्लेवर है, तो काफ़ी पुराना है, तो मैं सेट करते हैं भी करते रहना। तो गाइज ये देखते हैं, ये हमारा प्रॉपरली जो है सेटअप है सारा। तो फर्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा बड़ा ही। तो सबसे पहले हमें इसे ले लेना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पानी भरना है। तो पानी आप ले लीजिए, साफ ले लीजिए, जैसा मर्जी पर साफ ही ले लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं भरना है इसको, एक लिमिट होती है इसकी भी, बता देता हूँ आपको कितना भरना है कितना नहीं भरना। मैंने डाल दिया पानी, ज़्यादा भी मत भरना पानी, नहीं तो फिर स्मोक में प्रॉब्लम आ जाती है। आप जो कहते हैं कि स्मोक कम आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो उसको पानी की मात्रा भी सिस्टम से भरना। तो थोड़ी सा और भर लेते हैं, तो बस पानी जो है इतना बेटर रहता है कि हल्का सा डालना है तो और डालो, बस इतना ठीक है, इससे ऊपर मत भरिए। ये भी शायद ज़्यादा है, इसे हल्का सा कम ही रखिएगा, पर मैंने भर दिया तो ठीक है। अब इसको रख देते हैं ऐसे, इसको रख दे, नीचे रख दे ऐसे बस। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए कि पूरा लॉक है ना, ये मतलब कहीं से ढीला तो नहीं है, ढीला रहेगा तो जो आपका स्मोक रहेगा वो आपका लीक करेगा। तो इसको प्रॉपर इसमें ऐसे आपको फंसा देना है, प्रॉपरली तरीके से आपको अच्छे से फंसाना है, नहीं तो स्मोक नहीं तो लीक होगा आपका, आपको जैसे पता ही है स्मोक लीक होता है, जैसे स्मोक। तो फ्रेंड्स ये देखो हुक्का मतलब सेटअप हो गया है, ये लगा दिया मैंने पूरा, यहाँ फंसाना चाहिए, यहाँ फंस गया है तो अब यहाँ से स्मोक लीक नहीं करेगा, तो इसको अब रख देते हैं, ठीक है। अब आ रही आती है फ्लेवर की, अब फ्लेवर का सेटअप कैसे करें, जो मेरे पास है फ्लेवर, ये आपके सामने दिख रहा है फ्लेवर, ये जो आइस बर्स्ट है आइस का है, जो अच्छा है, थोड़ा फ्रेश माउथ फ्रेश कर देगा, जहाँ जू बेदबाद मारो है तो थोड़ा ये पुराना हो गया है, टेंशन ना लीजिए, पुराना होने के बाद खाना तो किसी ने है नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको डरबोक मारता है साला क्या करे। तो आप ध्यान रखिए, जब आप फ्लेवर निकालोगे तो फ्लेवर आपने इसके ऊपर नहीं डालना है, इसके ऊपर आप डाल सकते हो, पता है क्या दिक्कत होती है, तो ये सड़ जाता है यहाँ थोड़ा सा, जिससे कि ये धोना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिए, सिल्वर पेपर लेना है आपने, इसके आपने ये दो हिस्से कर लेने हैं, छोटा है पर चल इसके हिसाब से देख लो, या इसके हिसाब से थोड़ा सा बीच में से ऐसे ले लो, हाफ हाफ कर लो, ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे रख देना है, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, दिखा थोड़ा ऊपर करके, हाँ हाँ ये देखो, इसको मैंने ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि जो मेरा फ्लेवर रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, जब फ्लेवर पूरा सड़ जाएगा तो मैं इसको यहीं से निकाल दूंगा, तो फ्लेवर भी अपने आप बाहर आ जाएगा। तो आप चिमटे से ये जो चीज़ है, पैनी चीज़ कोई भी ले लीजिए, अगर आपके घर में कोई है सुई वगैरह है, या माचिस की तीली ले लेना, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से जो छेद होते हैं इसके वो आपने खोल लेने हैं, ताकि स्मोक जो आपका फ्लेवर है वो आर पार हो जाए। दिखा देना थोड़ा सा आगे करके, यार अभी ये फ्लेवर का टाइम है थोड़ा सा, हाँ ऐसे दिखा बढ़िया आ रहा है, आप देगा पर कोई नहीं कर लेते हैं, ये अपना फ्लेवर स्मेल तो बहुत अच्छा है इसका, रे साला सूंघ के नशा चढ़ गया रे अपना फ्लेवर बहुत ही इसका खाने का दिल करता है, ऐसा फ्लेवर है, वाह 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 वाह, ये देखो ये भी अब बढ़िया से दिखा दे करके,
ठीक है, अब क्या तू भैंस सुन। कमार। तब क्या करेंगे, आपने एक और चमकी ले लेनी है, मतलब एक और सिल्वर पेपर ले लेना है। इसको आपने थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा टाइट पकड़ के थोड़ा ऐसे सिस्टम से, ये देखो ऐसे ऐसे करके सिस्टम से थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, बस 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 थोड़ा ऐसे कीजिए। और इसको थोड़ा टाइट करके ना, थोड़ा नीचे को ना टच हो, अपने फ्लेवर में टच नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेपर फ्लेवर में टच होता है तो उस तो अपना ही हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही माचिस की तीली ले लीजिए, इसमें कुछ लग गया, 1 मिनट रुको। तब देखो मैं इसमें छेद कर रहा हूँ, कैसे छेद करने हैं। ये माचिस की तीली ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसमें आपने इसको ऐसे सॉफ्टली पकड़ लीजिए ऐसे, और इसमें छेद कर लेनी है थोड़े। अपने जो आपके पास कॉयल है ना, दिखा देता हूँ आपको कॉयल, ये देखो कोकोयला, कोकोयला पता नहीं जो भी है कंपनी। तो इसका इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपना छेद कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ छेद। इस पे छेद कर दिए हैं, आपको भी ऐसे कर लेना है, थोड़े गोल टाइप में कर लेने हैं छेद। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, अब कॉयल जलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कॉयल कैसे जलानी है। तो ये हो गया है, अब क्या करना है हमें सब, अब अभी आपने कोयला नहीं जलाना है, पहले जो अपनी पाइप है इसको लगा लेनी है। पाइप कैसे लगानी है देखते हैं। ये अपना जो है, ये इस साइड से हमें अपना स्मोक लेना है, और ये जो साइड है ये स्मोक यहाँ फिट करना है। देखते हैं अभी, तो देख लीजिए कैसे करना है। इसमें आपको अच्छे से फंसा देना है ताकि स्मोक आपकी लीक ना हो, ताकि स्मोक ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, तो ये अपना आ गया यहाँ हुक्का, फ्रेंड्स ये लग गया है अपना, ये स्मोक तैयार है, इधर से आप डायरेक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसको रख दिया इधर, अब बारी आती है इसको जलाने की। इसे क्या करना है आपने, इसे आपको इसी को आप ऐसे पकड़ लेना है इसको, लाऊंगा देखा। तो ये है अपना कोयला, अब इसको हमें कैसे रखना है, इसको ऐसे जला लेना है, देखते हैं आप, जूम है चल, फोकस भी कर देगा। थोड़ा वो लाइटर का वो बढ़ा दे। तो फ्रेंड्स देखो ये अपना जल रहा है, ये ऐसे जलता है, तो इस टाइम में भी जल रहा है, जल गया। इसको ये हल्की सी फूंक देके इसको अपने ध्यान से रख देना है, आगे नीचे दिखा थोड़ा, ऐसे करके प्यार से ऐसे रख देना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से टाइट कर लेना है। अब आपका स्मोक लेने के लिए हुक्का तैयार है। आपको थोड़ी सी जो है अपने खिड़की का दरवाज़ा खोल लेना है ताकि धुआं बाहर चल जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हुक्का, ये जो अपना कोयला था ना, कोयल जो थी ये थोड़ा टाइम लगाती है जलने को, तो ये जल गया। पहले आप ध्यान रखना, आप ये मत दोनों कि क्या हो गया, कोयला आपकी ठीक से जल चुकी है। देखते हैं ये देखो, एक मैं स्मोक लेके देखता हूँ, पूरा ठीक है स्मोक, ओके है पूरी। तो अब क्या करेंगे, आप देखना मैं स्मोक कैसे लेता हूँ कैसे नहीं। तो अपना हुक्का है जो वो पूरा जो है रेडी हो चुका है, आप देखते हैं पानी इतना, ये सब सिस्टम, ये अपना सारा सामान है, तो ये अपना हुक्का है। तो आप देखते हैं स्मोक कैसे निकल रही है कैसे नहीं, आपको दिखाते हैं। अमेजिंग। और जैसे मेरा फोग बहुत कम आ रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने पानी कम कर लिया, पानी कम किया, और मेरा कोयला ठीक से जला नहीं था, मैंने वो भी जला लिया। अमेजिंग, अब देखते हैं एक बार और, मैं स्मोक करूँगा, थोड़ा करीब रखना, करीब 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 रख। आ रहा है साहब। हाँ।